सिद्धार्थनगर में ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी के जिलाध्यक्ष निशात अली ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया। कलेक्टर को ज्ञापन देकर उन्होंने मांग की कि वसीम रिजवी ने इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान की जिन 26 आयतों को हटाने जैसी बयानबाजी की, उससे देश की शांति और अखंडता को ठेस पहुंची है। इस तरह की बयानबाजी से नफरत फैल रही है। जो है व्यक्ति अगर मंदिर में काम कर रहा है दिहाड़ी मजदूरी पे, तो उसको मारा जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुसलमान है। इस तरीके की घटनाएं देश के लिए चिंता का विषय है, और विश्व में हमारी क्या वो साख बनेगी, हमारी देश की गरिमा की क्या स्थिति रहेगी जब इस तरीके की घटनाएं होंगी। हम सरकार से और राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से ये मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को, ऐसे दुष्ट लोगों को जल्द से जल्द जो है सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि